हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुटोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट और पौष्टिक पंजरी कुकीज। कृष्ण जन्म के अवसर पर अक्सर पंजरी बनाई जाती है, पर आज हम पंजरी को कुकीज के रूप में बनाएंगे। और आज के कुकीज की खास बात यह है कि इसमें हम बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 कप घी ले रही हूँ और इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून गोंद। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसमें मैं बादाम ले रही हूँ। यहाँ पे मैं 1/3 कप ले रही हूँ और इसे बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया है। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे, जस्ट थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे क्योंकि बेकिंग टाइम थोड़ा और रोस्ट हो जाएगा। अभी इसी तेल में काजू के टुकड़े को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और वो भी मैं 1/3 कप ले रही हूँ। थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। काजू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी निकाल देते हैं। अब हम पिस्ता को भी फ्राई कर लेते हैं और पिस्ता को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। ये भी हमें चाहिए 1/3 कप। हल्का सा ही सेकना है इसे, ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि बेकिंग दौरान भी ये थोड़ा रोस्ट होगा। पिस्ता भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी निकाल देते हैं। अब हम ले लेते हैं बटर। यहाँ पे मैं 150 ग्राम बटर ले रही हूँ और आपको खास ध्यान रखना है, ये जो बटर है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ चाहिए। यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अगर अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो पिंच आपको नमक डालना है। तो अभी यहाँ पे मैंने 150 ग्राम बटर लिया है और ये एकदम ठंडा होना चाहिए। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ घर का पिसा हुआ चीनी, ये लेना है आपको 125 ग्राम और पीसने के बाद इसे अच्छे से छान लेना है। अब इसे बीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर ले रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। पहले आपको इसे स्लो स्पीड पे बीट करना है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, एकदम लाइट और फ्लफी हो गया है, इतना आपको बीट करना है। अब इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सौंठ पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें डाल देते हैं वरियाली पाउडर सौंफ, यहाँ पे ले रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसे वापस बीट कर लेते हैं और पहले इसे स्लो स्पीड पे बीट करें। अब मैं इसे हाई स्पीड पे बीट कर लेती हूँ ताकि एकदम लाइट हो जाए ये। जब हमने गोंद और ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, इसमें से जो घी बचता है वो सारा घी इसमें डाल देना है, करीबन ये 1 टेबलस्पून जितना होगा। वापस इसे अच्छे से बीट कर लें। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। अभी मैं डाल रही हूँ दूध, यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैंने 1/2 कप लिया हुआ है। यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, यहाँ पे टोटल 1.5 कप मैं मैदा ले रही हूँ। वापस इसे बीट कर ले और स्लो स्पीड पे ही करें। अब इसमें डाल देते हैं फ्राई किया हुआ वो गोंद और ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इसमें पूरा डाल दूंगी और इसे एकदम स्लो स्पीड पर वापस बीट करेंगे।
ये जो मिक्सर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं हाथ से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये जो कुकीज़ है बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये जो कुकीज़ है आप इसे एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही क्रंची बनती है। ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा ये मिक्सर को टच नहीं होना चाहिए। उंगली की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं क्या करूँगी, गोले बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं करीबन 20 ग्राम का गोला ले रही हूँ और इसे हाथ की मदद से ऐसे गोल गोल कर ले। ये जो गोला है इसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐसे प्रेस करना है ताकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है चिपक जाए। यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर पार्श्व पेपर रखा हुआ है। आप चाहे तो बेकिंग डिश को ग्रीस करके भी ले सकते हैं। अब ये जो कुकीज है इसे थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। अवन को मैंने पहले से ही 160 पे प्रीहीट कर लिया है। अब इसे मैं अवन में रख देती हूँ। अब इसे 160 डिग्री पे 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ। कुकीज़ हमारी बेक होके रेडी है।